साफ दिखाया कि किस तरीके से कश्मीरी युवक है उनको हिजबुल के साथ जोड़ा जाता है। देखिए, चिंता का विषय है और मैं ये कहूँगा कि वहाँ के नौजवानों को एक लंबे अरसे से वो भड़काते चले आ रहे हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, मजहब को गलत तरीके से समझाया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है, लेकिन सरकार के लिए एक मौका है कि इस वीडियो को ठीक तरीके से एनालाइज करे और ये वीडियो उन लोगों से लड़ने का एक हथियार भी सरकार के हाथों में दे सकता है। कोशिश करें कि वो लोग, अगर जो लोग जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो सरकार को ताकत देगा उनको समझने की, रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है, किस तरीके से बच्चों को बहकाया जाता है उसको समझने की, और उसकी बुनियाद पे रोकने की कोशिश भी की जा सकती है और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। मैं कहूँगा कि इसे फौरन रोकना चाहिए, चूंकि अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है तो यकीनन रोकना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि इसे रोका जाए और हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी सरकारी जो एजेंसीज हैं उन्हें इसका एनालाइज करना चाहिए। 23-24 तारीख को जो एनएसए स्तर की बातचीत है, अब उसका कोई औचित्य नहीं बचा है। The environment that is prevailing in Kashmir today, which is, to put it very mildly, permissive, makes it possible for them to come out into the open. This has also to be seen in the context of the use of social media that was appropriated by Mr. Taram in the stone pelting phase of 2010. From that day onwards, social media has been used as a very potent weapon to further the interest of global terrorism in Kashmir, to motivate the youth and encourage them to take part in jihad. And all these efforts that have been taking place, and the most unfortunate part is that our failure to counter it or deal with it more effectively has brought us to this position where now they feel emboldened to challenge the Indian state openly and couldn't care less for what the consequences that could follow, because they have a feeling that there really can't be any serious consequences. So that is what needs to be taken care of.